आज के लेक्चर की। ओके बेटा, हमारा क्वाड्रेटिक का टॉपिक चल रहा है। क्वाड्रेटिक की टॉपिक की हमारी पहली एक्सरसाइज में लास्ट क्लास में करवा दी थी, पहली एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कंप्यूटिंग स्क्वायर टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सही है। अब ये फॉर्मूला एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन से, ये इन फॉर्मूला, अब इन फॉर्मूलाज का हम क्या करेंगे? अलजेब्रा करेंगे। इन फॉर्मूलाज का हम क्या करेंगे? अलजेब्रा करेंगे। सही है। अब इधर क्वेश्चन ए पार्ट, क्वेश्चन वन का ए पार्ट, ए प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए ए के बराबर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी किसके बराबर है? ए के बराबर, बी किसके बराबर? फोर प्लस फोर का स्क्वायर। फॉर्मूला से एक्सपेंड करना आप सीखें। और ये ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस एट ए आ जाएगा प्लस फोर प्लस सिक्सटीन आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? सिक्सटीन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? जी, कोई प्रॉब्लम है? फॉर्मूले की हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूले की हेल्प से किया। किस फॉर्मूले की हेल्प से किया? मैं वो फॉर्मूला भी साइड पे लिख लेता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से किया। सही है बेटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? जी जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अब इसी, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रहा हूं। अब इसी चीज को एक खास चीज देखिएगा। अब आपको अगर ये कहा जाए, ये एक्सप्रेशन दे दी जाए और कहा जाए इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर करें, तो अब आपने इस पैटर्न को आपने इस पैटर्न में क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे? इस ए के ऊपर ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को ऐसे 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको ए भी पता चल गया और बी भी, ए कितना आपके ए के बराबर है, बी किसके बराबर है? 4 के बराबर, प्लस 2 फॉर्मूले का लिखा और आप क्योंकि इधर 8 है तो ए लिखा और ये बी आपको 4 लिखा, 4 2 से 8, क्या 8 बन रहा है? यस बन रहा है। तो इसको क्या कर दिया? a प्लस बी ए प्लस फोर की पावर का स्क्वायर, यानी कि एक एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन गिवन थी उसको क्लोज किया कंप्यूटिंग स्क्वायर से, यानी कि इसी काम को जो एक्सपेंशन आपने की एक्सपेंड को क्लोज दोबारा क्लोज कर दिया। इसको किसी भी आपके a प्लस बी की फॉर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा क्लोज करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर टेक्निक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस टेक्निक को कंप्यूटिंग स्क्वायर टेक्निक कहा जाता है। क्लियर? इधर तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? जी बेटा, समझ में आई ये बात? जी सर। ओके गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत काम आएगी आपको आगे जाके, आगे मैथमेटिक्स में ये कंप्यूटिंग स्क्वायर टेक्निक। अच्छा, इसी का अगर आप बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में तो आपको पहले बी में तो क्या कह रहे हैं? एक्सपेंड करने को कह रहे हैं, थ्री बी प्लस टू, और ये मेरे पास क्या कह रहा है? एक्सपेंड करने को। तो मैं एक्सपेंड करूंगा फॉर्मूला का, ए स्क्वायर ए कितना है? 3b का स्क्वायर प्लस 2a कितना है? 3b है और b कितना है मेरे पास? 2 है। b मेरे पास कितना है? 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा b पार्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? इधर तक बात समझ में आ रही है बेटा? अब ये तो क्वेश्चन था। अब अगर मुझे क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाए और मुझे कहा जाए इसको इस पर कंप्यूटिंग स्क्वायर करें, यानी इसको क्लोज करें कंप्यूटिंग स्क्वायर से, तो मैं क्या करूं? मुझे फार्मूला पता है, मुझे फार्मूला क्या पता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यानी उसी का रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, कंप्यूटिंग स्क्वायर टेक्निक कर रहा हूं। तो 9b स्क्वायर को मैं 3b का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप कैसे लिख सकते हैं? और ये 4 को प्लस 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख दिया आपने, और प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया, और a कितना मेरा 3b है और b कितना मेरे पास 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 12b, यस 12b बन रहा है, और ये क्या आ जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आएगा? तो ये मैंने क्या किया? इसका रिवर्स प्रोसेस किया। जो ये रिवर्स प्रोसेस है इसको कहते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर टेक्निक कहा जाता है। सही है, क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये बिल्कुल इसी तरह से सी पार्ट और डी पार्ट आपने करना है, आप लोगों ने करना है। अब असल टारगेट में अपनी एक्सरसाइज पे आता हूं। ये थोड़ा सा बस मुझे आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर बताना था, और अब मैं दोबारा अपने चैप्टर पर, D3 का चैप्टर नंबर 1 है। बुक अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं ग्रुप पे बुक भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को। सही बेटा, D3 बुक भी सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर से। ओके, कल जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सरसाइज वन ए एक्सरसाइज है हमारी, हमारी वन ए एक्सरसाइज आपके से वन ए एक्सरसाइज है डी थ्री की, बुक थ्री की, वन ए एक्सरसाइज बुक थ्री, सही ऑक्सफोर्ड वन की बुक है थ्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसकी बात मानते हैं और काम पर काम करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी के पैटर्न, इस पैटर्न में आपने एक्सप्रेस करना है। अब देखिए ए पार्ट क्वेश्चन में थ्री का ए पार्ट, ए पार्ट क्या है आपके इसके एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, ये आपके सर। अब देखिए बेटा आपने एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख दिया आपने प्लस टू ऐसे आया, और ये आपके इधर आपके देखे आपको ये आपके क्या बन रहा है आपके ए कितना एक्स है। अब इस खाली जगह पे मैं क्या लिखूं कि ये 12 बनना चाहिए, तो 2x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 2 जा क्या होगा 12 हो जाएगा, b पता चल गया मुझे b कितना है 6 है, तो प्लस 6 के स्क्वायर में ऐड भी करूंगा खुद से और 6 के स्क्वायर में सबट्रैक्ट भी करूंगा खुद से, क्योंकि ये चीज ऊपर मौजूद नहीं है, प्लस 36 नहीं है माइनस 36 नहीं है, मैंने खुद ऐड किया सबट्रैक्ट भी करा। अब देखें यहां से लेके यहां तक ये चीज फार्मूले में क्लोज होगी, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही बेटा। ये आपके क्या हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और वो कितना माइनस 36 हो जाएगा माइनस 30। ये बेटा एक्सप्रेस जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करने को कह रहा था उस फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर लिया, क्वेश्चन समझ में आया आपको जी बेटा, पहला पार्ट समझ में आया, जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करने को मुझे कह रहा था मैंने उसी फॉर्म के अंदर क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया। लाल तलाल की तरह जी बेटा, ये रियान आशा बेटा समझ में आया ये आप लोगों को एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी बी ट्वेल्व एक्स है, बी सिक्स है, बी सिक्स है, बी सिक्स है, सही। आपके फॉर्मुले में देखिए टू फॉर्मुले का हो गया, ए कितना एक्स है और किससे मल्टीप्लाई करूं 2x, किससे मल्टीप्लाई करूं 12x बने 6 से, तो b 6 है और 6 के स्क्वायर में खुद से ऐड भी करूंगा सबट्रैक्ट भी करूं, तो मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को x स्क्वायर प्लस 12x को किस पैटर्न में लिखो, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b के पैटर्न में आपने लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है x प्लस b के पैटर्न में लिखना है, सही है ओके। तो ये प्लस 6 स्क्वायर की दिशा आ गया, प्लस तो मुझे क्लोज करना है इसको, मुझे कंपटीशन स्क्वायर करनी है इसमें, तो बी की टर्म नहीं थी, बी स्क्वायर नहीं था, तो बी स्क्वायर मैंने खुद से ऐड भी किया सबट्रैक्ट भी किया, क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए बेटा ये ए एक्स इसका स्क्वायर यानी पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले का ए कितना एक्स है, अब मैं इधर क्या लिखूं बेटा ये 6x होना चाहिए, इस खाली जगह पे मैं क्या लिखूं मुझे जल्दी से बता दे, इस खाली जगह पे मैं क्या करूं कि ये 2x से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आ जाए 6x आ जाए, 3 क्या लिखूंगा 3, और इसी 3 का स्क्वायर मैं ऐड भी करूंगा, इसी 3 का स्क्वायर मैं सबट्रैक्ट भी करूंगा, और ये जो प्लस 1 बैठा हुआ है ये एज इट इज बैठा रहेगा, ये बैठा हुआ, क्लियर। अब यहां पर इधर देखिए यहां से यहां तक, इधर से लेके यहां तक ये बॉक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, ये फार्मूला है, फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला आपको कह रहा है फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, ये बात समझ में आ रही बेटा, ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, क्लियर। और ये आपके क्या एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन प्लस वन हो जाएगा, सही बेटा, और ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और माइनस एट हो गया, क्लियर। ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया, इस फिनोमेना को कंप्यूटिंग स्क्वायर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, कंप्यूटिंग स्क्वायर करने की टेक्निक बता रहा हूं, सही है, इंप्लीमेंट करवा रहा हूं फॉर्मूलास को, सही है। ये हमारा क्वेश्चन था, बी पार्ट था, बी पार्ट का मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको दोबारा से, ए पार्ट में बता रहा हूं, कुछ बच्चे आए कहते इस वन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए एक्स एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी के पैटर्न में करना है,
तो a क्या है x स्क्वायर है और प्लस 2 आपके यहां पर एज इट इज रहा, फॉर्मूले का होता है 2ab और प्लस b स्क्वायर, 2a कितना है x है और b कितना है 6 है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और ये b कितना है 6, 6 का स्क्वायर ऐड भी करूंगा 6 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करूंगा, तो x स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 36 बार माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये बाहर वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है। अब यहां पर इसको भी कन्वर्ट करना है, इसको मैंने x स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 फॉर्मूले के लिखा, a कितना है मेरे पास x है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 बना है 3, तो b पता चल गया, b का स्क्वायर ऐड भी करूंगा सबट्रैक्ट भी करूंगा, तो ये बॉक्स में क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b, a कितना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, माइनस 9 प्लस 1 8 आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, ये आपका बी पार्ट हो गया, इस क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया। अब इसी तरह से आए सी पार्ट पे आते हैं बेटा, अब देखें बहुत आसान है, सिंपल सिंपल सी पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट में आपके पास क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब a कितना है a x है x का स्क्वायर प्लस 2a कितना x, अब मैं इधर x को जरा अच्छा लिख लूं, n लग रहा है x, और यहां पर मैं क्या लिखूं कि मेरे पास 3x बनना चाहिए, यानी इसी को डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी 3 अपॉन 2, जिस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3x बनेगा या नहीं बनेगा, तो उधर से मुझे पता चल गया कि b मेरे पास क्या है 3 अपॉन 2 है, तो 3 अपॉन 2 का स्क्वायर मैं ऐड भी करूंगा और 3 अपॉन 2 का स्क्वायर मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट भी करूंगा, मेरी बात समझ में आ रही बेटा, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर मैं खुद से ऐड भी करूंगा और 3 अपॉन 2 का स्क्वायर मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट भी करूंगा, क्लियर, ये टर्म मैं खुद से ऐड भी की मैंने सबट्रैक्ट भी की, क्लियर, और वो वाला जो माइनस 2 बैठा हुआ वो बैठा रहने दिया मैंने, और यहां से लेके यहां तक ये अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूले में क्लोज हो गए, कौन से फॉर्मूले में क्लोज हो गए, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर, अच्छा a कितना है x है b कितना है 3 upon 2 है 3 upon 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा वो बाहर जो बैठा हुआ है 3 के ऊपर स्क्वायर यानी कि माइनस 9 हो जाएगा और 2 पर स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये माइनस 2 आ जाएगा, सही बेटा, और ये क्या है x प्लस 3 upon 2 का स्क्वायर और ये 4 एलसीएम आ गया तो 4 टू 8 हो जाएगा 8 और ये कितना माइनस 17 upon 4 हो जाएगा, ये एलसीएम समझ में आ रहा है जी बेटा, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में सी पार्ट में, जी बेटा जी किसी को कोई प्रॉब्लम, सही आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 को आपने क्या करना है उसने कहा x प्लस a स्क्वायर प्लस b यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखना है, तो आपने x स्क्वायर को x ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किया, उधर से a पता चल गया आपको x है 2 फॉर्मूले के लिखा ax लिखा b क्योंकि 9x बनाना है तो 9 upon 2 लिख दीजिए, तो b आपके पास क्या है 9 upon 2, 9 upon 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दीजिए सबट्रैक्ट भी कर दीजिए, सही है, और माइनस 1 एज इट इज रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x 9 upon 2 प्लस 9 upon 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x प्लस 9 upon 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है, माइनस 81 अपॉन 4 माइनस 1 एज इट इज रहा 4 एलसीएम माइनस 85 अपॉन 4 आपके पास आ गया, ये आपका कौन सा पार्ट डी पार्ट आपका हो गया, सही बिल्कुल बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था डी पार्ट था, सही बेटा, ये एक एक पार्ट मैं खुद करवा रहा हूं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट स्क्वायर टेक्निक है, अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो स्टेप बाय स्टेप मैं खुद बता रहा हूं, अच्छा ई पार्ट देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, अब देखो a कितना है ये x है और प्लस 2 फॉर्मूले क्या आ गया ax आ गया, अब मैं क्या लिखूं कि 1 अपॉन 2x बन जाए, तो आप क्या क्या 1 अपॉन 2 और नीचे 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, जो ये चीज होगी इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए और इसको जरा देखेंगे तो 1 अपॉन 4 इट इज 1 अपॉन 4 होगा बेसिकली, ये क्या होगा आप अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो ज्यादा बेहतर है 1 अपॉन 4 क्योंकि उससे कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, तो b पता चल गया आपको 1 अपॉन 4 है, 1 upon 4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे 1 upon 4 का स्क्वायर आप सबट्रैक्ट भी करेंगे और ये यहां से लेके यहां तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, फॉर्मूले में क्लोज होगा तो x प्लस 1 upon 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 upon 16 ये पैटर्न बन गया आपका और फॉर्मूला जिस फॉर्मूले का रेफरेंस दिया वो फॉर्मूला इधर लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab, मैं बार बार लिख रहा हूं आप लोगों को याद हो जाए a प्लस b होल स्क्वायर,
यानी उस फॉर्म में था उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल इस तरह एफ पार्ट देखिए बेटा, माइनस टू पॉइंट नाइन एक्स आपके पास आया, ए कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर लिख दिया माइनस टू ए एक्स हो गया। अब इधर क्या आना चाहिए, नाइन अपॉन टू एक्स आना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर अगर आपके पास देखें तो वन अपॉन एटीन कर दू, वन अपॉन नाइन कर दू, वन अपॉन नाइन करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू नाइन एक्स आ जाएगा, बी मुझे पता चल गया। यदि मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर नेट आंसर इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, टू अपॉन नाइन एक्स आना, वन अपॉन नाइन है तो बी पता चल गया, बी वन अपॉन, वन अपॉन नाइन का स्क्वायर एड भी करूंगा मैं, वन अपॉन नाइन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, सही। और यहां से यहां तक ये फॉर्मुले में क्लोज है, फर्स्ट थ्री टर्म फॉर्मुले में क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएगी। फॉर्मुला क्या है, फॉर्मुला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फॉर्मुला है और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, सही बेटा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन नाइन का होल स्क्वायर, और सॉरी ये स्क्वायर लिखना भूल गया था, इट इज वन अपॉन एट्टी वन, ये बेटा आंसर आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये आपका एफ पार्ट था, सही है। अब बिल्कुल इसी तरह से इसी क्वेश्चन का जी पार्ट देखिए बेटा, जी पार्ट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पॉइंट टू एक्स, सही है। आप पॉइंट टू को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर आप इस तरह पॉइंट डेसिमल में तो डेसिमल में रहने, ए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू, फॉर्मूला क्या है एक्स। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, बी क्या होगा, भैया नेट रिजल्ट इन दिनों प्रोडक्ट पॉइंट टू है, पॉइंट वन होगा, तो बी पता चल गया, पॉइंट वन का स्क्वायर एड भी करूंगा, पॉइंट वन का स्क्वायर क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, पॉइंट वन का स्क्वायर एड भी करूंगा, पॉइंट वन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, क्योंकि उससे कोई टर्म एड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थ्री टर्म फॉर्मूले में क्लोज हो जाएंगी, फॉर्मूले में क्लोज होगी तो आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस पॉइंट वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर पॉइंट वन का स्क्वायर क्या होगा, पॉइंट वन का स्क्वायर आपके साथ आ जाएगा पॉइंट जीरो वन माइनस पॉइंट जीरो वन, ये बेटा आपका कंप्लीट स्क्वायर, जिस पैटर्न में वो कह रहा था उस पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया, सही बेटा। सिमिलरली आपके एच पार्ट देख लीजिए, एच पार्ट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉइंट फोर एक्स, ये आपके पास है, सही बेटा। अब यहां पर देखें तो ये ए कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स, अब कितना इधर में क्या लिखूं, बी में क्या लिखूं, मेरे पास क्या आ जाए, 1.5 आ जाए, 1.4 आ जाए, जी क्या लिखूंगा मैं, इधर में क्या लिखूंगा, 1.4 दैट इज 0.7 लिखो, 0.7 टू जा 1.4 होता है, तो 0.7 का स्क्वायर ऐड भी करूंगा, 0.7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, सही बेटा, ये मैंने कहा। और ये फर्स्ट थ्री टर्म फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगी, क्या आ जाएगा, x माइनस 0.7 का स्क्वायर, और उधर माइनस 0.7 का स्क्वायर क्या होता है, 0.7 का स्क्वायर आप 0.49 हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा, ये बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, ये आप उसी पैटर्न में। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर थ्री ये पार्ट थे जिससे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की टेक्निक से हमने इसको एक्सप्रेस किया इस फॉर्म के अंदर, तो ये फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सही है, क्लियर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रहा है, आपको कुछ भी नहीं कह रहा, कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिविंग योर आंसर इन टू डीपी, दो डेसिमल प्लेसेस में आंसर को दीजिए। अब बात यह है कि इसके फैक्टर नहीं बन रहे, ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, सही है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, जितने भी पार्ट है किसी भी पार्ट की मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो पा रही, तो दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ दो मैथड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के रहेंगे। एक मेथड तो आपके कौन सा मेथड है, एक मेथड फैक्टराइजेशन का, अगर फैक्टराइजेशन से हो रहा हो, क्योंकि इधर सॉल्व कह रहा है तो हमारी अपनी चॉइस हम किसी मेथड से करते, फैक्टराइजेशन से ये हो नहीं सकता, तो इसके बाद रिमेनिंग टू मेथड रह गए, रिमेनिंग टू मेथड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने अभी नहीं पढ़ाया, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के पैटर्न में कन्वर्ट करना सिखाया है, तो हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की टेक्निक से सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करना आपने क्वेश्चन नंबर थ्री में सीखा है और सॉल्व करना अभी आप एक दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें इंप्लीमेंट है, तो यहां पर नहीं कह रहा कंप्लीटिंग, मगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही इसको सॉल्व करते हैं, सही, जबकि उससे ज्यादा आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बट हम कंप्लीटिंग स्क्वायर क्योंकि हमें सीखना है मेथड पूरा, उसको ग्रिप्ट हमें ले रही है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस टू फॉर्मूले का आ गया, ए कितना एक्स है, अब मैं इस खाली जगह पे क्या लिखूंगी, ये टू एक्स आना चाहिए, वन लिखूंगा, वन मल्टीप्लाई टू है,
तो b पता चल गया, b 1 है, 1 का स्क्वायर ऐड भी करूंगा मैं, 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करूंगा, सही। और ये माइनस फाइव एज इट इज इज इक्वल टू जीरो, सही बेटा। अब यहां से यहां देख, फर्स्ट थ्री टर्म को जरा गौर से देखें, ये फॉर्मूले में क्लोज होगी, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन कर्व स्क्वायर, और ये माइनस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और ये एक्स सॉरी एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स हो गया, क्या हो गया, इज इक्वल टू सिक्स हो गया। अब स्क्वायर रूट क्या, ये रूट यहां पर भी लगाया, रूट यहां पर भी लगाया, तो आपके पास क्या हो, देखिए अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में टू बन गया जो मैंने आपको करवाया था, सही है। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या ली, अब रूट यहां पर रूट यहां पर, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, तो रूट से बने और रूट सिक्स आपने रहने दिया ऐसे, सही है। अब दो वैल्यूज आ गई, अब आपने इफ 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 एक्स प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स इसको अलग कर दिया, और इफ एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट सिक्स इसको अलग कर दिया, सही बेटा। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अंडर रूट सिक्स माइनस वन, एक्स की ये एक वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, सही है। और दूसरी वैल्यू एक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस वन, एक्स की दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ये दो वैल्यू आ जाएगी। अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना, अंडर रूट सिक्स माइनस वन, सही। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, 2dp में 1.45 आ जाएगी, सही बेटा। और ये अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस वन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या होती कितनी हो जाएगी, 3.45 हो जाएगी, सही बेटा। ये दो सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, आंसर आप लिखते ऐसे लिखते, सोल्यूशन सेट डिस्कशन के क्या आ जाएंगे आपके, आएंगे 1.45 एंड माइनस 3.45, ये सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। किस मेथड से आपने किया, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं, आप उसको सबसे पहले कंप्यूटिंग स्क्वायर के पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मुला यूज करेंगे, फॉर्मुला कौन सा अप्लाई किया, फॉर्मुला ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, कंप्यूटिंग स्क्वायर। और कंप्यूटिंग स्क्वायर करना कैसे, इस पैटर्न में कन्वर्ट करना कहां सीखा, आपने क्वेश्चन नंबर थ्री में सीखा, सही है। और क्वेश्चन नंबर थ्री और टू का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर फोर है, सही है, जो आपने पूरी एक क्वाड्रेटिक को वाया कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड की टेक्निक से आपने सॉल्व किया। ये किसको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, मुझे सिर्फ ये बता दें जी, ये क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया बेटा, बताएं सर मुझे। हाँ जी तलाल भाई जी, तलाल भाई आपको समझ में आया जी, बता लूं तलाल, आवाज आ रही है तुम्हें, अहमद बिलाल बिलाल हूं, आ गया समझ में, गुड है। इस क्वेश्चन को आप सिमिलर ये पैटर्न में आप क्वेश्चन सामने नजर आ रहे हैं आप, सर ये बिलाल को समझ नहीं आया जी, क्या समझ नहीं आया, क्या बोला था ना सर, ये क्वेश्चन वापस समझा दें। ओके देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होती है, जब वो सॉल्व होती है तो एक्स के दो वैल्यूज आती हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसके दो वैल्यूज आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, सही है, एक फैक्टराइजेशन है, एक कंप्यूटिंग स्क्वायर है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही है। आज की जो क्लास थी, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखी, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो अभी मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा लेक्चर, प्रीवियस क्लास का भी और आज की क्लास का भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लेक्चर देख सकते हैं, सही है। अब कंप्यूटिंग स्क्वायर क्या होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको क्लोज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर क्लोज करना है। तो ये आप दीज आर क्वाड्रेटिक है, अब आपने इसको क्या करना है, इसको वाया कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड की टेक्निक से आपने इनको क्या करना है, क्लोज करना है और उधर से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टू फॉर्मूले के लिख दिया, ए कितना एक्स है, बी कितना है, वन होगा। अब वन का स्क्वायर आपने ऐड भी किया, वन का स्क्वायर आपने सबट्रैक्ट भी किया, और माइनस फाइव एज इट इज रहा, माइनस फाइव क्या रहा, एज इट इज रहा, और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्योंकि ये तीन टर्म किसमें क्लोज हो जाएंगे, फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला, ए कितना एक्स है, बी कितना है, वन है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्लोज,
माइनस वन एज इट इज माइनस फाइव, माइनस वन माइनस फाइव कितना माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स यहाँ पे माइनस वन जाके प्लस हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर खत्म करना है, ये क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये टेक्निक मैंने बताई है, दोनों तरफ रूट अप्लाई करते हैं। अब रूट अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो रूट खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस वन बच जाएगा, और राइट हैंड साइड पे रूट हटता है तो जाहिर बात है राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से हटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। इन क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं बन पाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। वो क्वेश्चन जिनमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती सॉल्व कर रिकॉर्डिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस जिनमें मिडिल टर्म ब्रेक, उनको या तो हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूसडे ट्यूसडे मंडे की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह सॉल्व करते हैं। सही, ये चैप्टर नंबर वन, बुक थ्री का चैप्टर नंबर वन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एटलीस्ट 12 मार्क्स का चैप्टर है, दोनों आईएससी और सीआई दोनों में 12 मार्क्स, और अगर पेपर वन का भी तो आपका पेपर टू और या पेपर वन काउंट कर लें, आईजीएससी का पेपर टू और सीआई का पेपर वन काउंट कर लें तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक है, तो ये आपका आउट ऑफ आपका 180 आपके उसमें और 200 उसमें, सही है के मार्क्स। अब रूट हटेगा तो आप सॉरी राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू को अलग कर दे, नेगेटिव वाली वैल्यू को अलग कर दे, ये वन यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके 1.45 है, ये वन माइनस प्लस वन है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 3.0, ये दो एक्स की वैल्यूज आ गई। सही बेटा, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आ जाए इसी का क्वेश्चन बी पार्ट में आपको करवाता हूं। सही, अब दो तीन सारी बातें एक क्वेश्चन से इतनी आसानी से नहीं समझ में आता, आ भी जाता है मगर थोड़ी सी प्रैक्टिस से और अच्छे तरीके से आ जाए। बी पार्ट एक्स स्क्वायर, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, इसमें फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2a कितना हो गया, x हो गया। यहां पर अब मैं क्या लिखूं कि 17x बनना चाहिए, 17/2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 17/2, क्योंकि 7 ये 2 से 2 कैंसिल, 17x बन गया, तो b पता चल गया, b कितना 7, अब 7/2 का स्क्वायर ऐड भी करूंगा, 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करूंगा। सही है, ऐड वाला पहले लिखो और माइनस 30 एज इट इज रहा। अब जरा गौर से देखें तो ये यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट थ्री टर्म के फॉर्मूले में क्लोज हो गई, कौन से फॉर्मूले में क्लोज हो गई, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। बचपन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला, ये बी कितना प्लस 17/2 का स्क्वायर हो गया। सही बेटा, ये आ गया। अच्छा 17 का स्क्वायर, अब इसको इधर तो इसको जारी बात है वो तो करना पड़ेगा आपको, 17 स्क्वायर होता है 289 अपॉन 4 माइनस 30, और ये दो टर्म इधर माइनस हो रही है उधर जाके क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, और एलसीएम भी आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 और प्लस हो जाएंगे, एलसीएम 4 एलसीएम आ जाएगा 289 सही है प्लस 120 प्लस 120 सही है 409 कितनी हो जाएगी 409 अपॉन 4, ये x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। इधर तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को समझ में आ रही बात, इधर तक बी पार्ट तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक, जी बताए किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक किसी स्टेप में या किसी पार्ट में, कबड्डी विस्तार मेथड की टेक्निक से मैंने सोची है, क्लियर ओके गुड बैड। अब देखिए बेटा, अब आपने स्क्वायर रूट यहां पर भी लगाए यहां पर भी लगाए, क्योंकि आपको इधर से एक्स स्क्वायर खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो स्क्वायर रूट दोनों यहां पर x प्लस 17/2 आ गया, और वहां से रूट हट आपके प्लस माइनस आता रूट 409/2 आ जाएगा, और अब इफ पॉजिटिव वैल्यू को अलग कर दें 17/2 409/2 इसको अलग कर दिया, और इफ x प्लस 17/2 माइनस अंडर रूट 409/2 इसको अलग कर दिया। सही होगा, इन दोनों वैल्यूज को अलग कर दिया, और ये आपके इसका 401/2 माइनस 17/2, अब आपने 2 एलसीएम ले लिया 409 माइनस 17/2, तो ये अंडर रूट 409 कैलकुलेटर से आप कर ले माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2, तो फर्स्ट वैल्यू आपके इसके आ जाएगी, एक मिनट मैंने शायद गलत किया हो, 409 का रूट आपके साथ है ये 20 है माइनस 17 3 है डिवाइडेड बाय 2 कुछ नहीं क्या
1.61 आपके पास पहली वैल्यू आपके, सही एक्स की एक पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आपके इसके होगी उधर जाके माइनस होगा, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी आपके इसके 409 डिवाइडेड रूट और ये अंडर रूट 409 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना माइनस 18.61 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। सही, मैं फिर क्रॉस वेरीफाई कर लूं, 409 प्लस 17 माइनस माइनस प्लस होता है डिवाइडेड बाय 2, सही है माइनस में। तो इस क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन सेट क्या आ गए बेटा, 1.61 एंड माइनस 18.61। ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा मेथड था, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड था। ये कौन से किस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखा हुआ नहीं है उसने, मगर हम सारी बातें हमें क्वेश्चन में टू करवाया गया कंप्यूटिंग, यानी कि टेक्निक बताई गई क्वेश्चन थ्री और फिर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि हमें सीखना था क्वाड्रेटिक कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड होते हैं। सही है बेटा, आज की क्लास इधर तक है बेटा और इसके ईयर भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपने इसके रिमेनिंग पार्ट आपने सारे करने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से, बी सी डी क्वेश्चन नंबर थ्री के ऑल पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं वो सारे आपने करने हैं, और इससे पहले मैंने आपको जो करवाया था लास्ट क्लास में वो भी रिवाइज कर लीजिएगा बेटा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से और मजीद क्वेश्चन करेंगे हम, और फिर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा और असल टारगेट हमारा क्या होगा फिर आगे जाके, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आ जाएगी, फिर हमारी असल टारगेट जो क्वेश्चंस होते हैं वो व्हाट प्रॉब्लम्स होती है क्वाड्रेटिक की, वो टारगेटेड है। वो तीन किसी भी व्हाट प्रॉब्लम्स हमारे कोर्स के अंदर मैंने आपको बताई है, और हर की एटलीस्ट हर व्हाट प्रॉब्लम की हर टाइप की एटलीस्ट 10-10 या 5-5 प्रॉब्लम्स हम करेंगे, यानी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड आपकी 5 होंगी करेंगे, काइनेमेटिक्स रिलेटेड 5 होंगी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड 5 होंगी। ये क्वाड्रेटिक का टॉपिक था बेटा, सही इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं अभी लेक्चर आपको सेंड कर देता हूँ, इसकी बेटा प्रैक्टिस करिएगा, इन क्वेश्चंस को दोबारा से करिएगा बेटा। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।